एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है ज्योमेट्री का, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में सब कुछ सीखा है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब एरिया, पेरीमीटर, अलग अलग तरह के पॉलीगॉन्स की किस तरह से फाइंड करना और डे टू डे लाइफ में हमें इसका क्या यूज होता है। दूसरी बात ये कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते हैं, और क्वेश्चन सीधे नहीं रहते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका ये बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, अब उसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो एरिया अगर हमें स्क्वायर का फाइंड करना है तो हमें चाहिए साइड, लेकिन हमारे पास साइड तो नहीं है, हमें क्या दिया है, हमें पेरीमीटर दिया है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर दिया है तो हम साइड पहले फाइंड करेंगे, और साइड मिलने के बाद हम उसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे जो दिया है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 32 मीटर। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला वो उसके नीचे लिखेंगे, देयर फोर 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 32। अब इससे आप 4 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, देयर फोर यू विल गेट साइड इक्वल टू 32 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। अब स्क्वायर की साइड हो गई 8 मीटर, देयर फोर वी कैन फाइंड नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, या साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हो। अब साइड दिए है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर करो, दैट इज 64। अब एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मीटर में है साइड, तो इसका एरिया हो गया 64 स्क्वायर मीटर। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। द कार्पेट ऑफ अ रूम ऑफ डायमेंशन 7.5 मीटर 6 मीटर कॉस्ट रूपीज 6750 एंड इट वॉज मेड फ्रॉम अ रोल 80 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेट पर मीटर। तो इस एग्जाम्पल में हमें एक रूम का डायमेंशन दिया है, रूम का डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ दिए। अब लेंथ और ब्रेथ दिए अलग अलग है, इट मीन्स रूम कौन सी शेप की हो गई, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। फिर उस रूम में हमें कार्पेट जो डाला है, उस कार्पेट का हमें टोटल कॉस्ट दिया है, वो कार्पेट का कॉस्ट है 6750। अब वो कार्पेट जिस रोल से बना है, उस रोल के हमें विड्थ दिए, ठीक है, यानी ब्रेथ दिए, और हमें पूछा है कि उस कार्पेट की पर मीटर कॉस्ट कितनी होगी। तो जब तक हमें उस कार्पेट का एरिया नहीं मिलता, तो हम उसका पर मीटर कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ जो दिए रूम की दिए, तो उतना ही कार्पेट उस रूम में लगेगा। तो रूम की जो लेंथ और ब्रेथ है, वही लेंथ और ब्रेथ किसकी हो जाएगी, कार्पेट की हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम एरिया ऑफ कार्पेट फाइंड करते हैं। सो जो पहले हमें यहाँ पे दिया है वो लिख लेंगे। सो वी विल राइट हियर, लेंथ इज इक्वल टू 7.5 मीटर कॉमा ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ कार्पेट, देयरफॉर एरिया ऑफ कार्पेट। अब रूम अगर रेक्टेंगुलर शेप की है, तो कार्पेट भी रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसका आंसर आप फाइंड करो, कितना होगा, 6 5 30 0, कैरी 3, 6 7 42, प्लस 3 हो गया 45 एंड 45.0। तो पॉइंट के बाद 0 है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ कार्पेट। अब हमें विड्थ दिए,
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे विड्थ ऑफ कार्पेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कार्पेट। अब कार्पेट की जो विड्थ दी है वो दी है आपको सेंटीमीटर में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है स्क्वायर मीटर में। सो दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करना, तो डेसिमल पॉइंट दो डिजिट के बाद दे दो, सो यू विल गेट 0.8 मीटर। सो दिस इज द विड्थ ऑफ कार्पेट। अब जब भी आप कार्पेट का एरिया फाइंड करते हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड करते हो, उसमें आपको यहाँ पे देखो ब्रेड देने उसकी विड्थ दी है तो उससे हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। सो वी विल राइट हियर एरिया ऑफ कार्पेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्पेट। अब जो कार्पेट बना है जिस रोल से बना है उसकी लेंथ रहेंगी और उसकी विड्थ रहेंगी। सो लेंथ ऑफ रोल, लेंथ ऑफ रोल मल्टीप्लाई ब्रेथ ऑफ रोल, ब्रेथ यानी हो गई उसकी विड्थ, ब्रेथ ऑफ रोल। अब देखो यहाँ पे हमें ब्रेथ ऑफ रोल दिया है और हमने एरिया ऑफ कार्पेट पहले निकाल लिया है तो हमें लेंथ ऑफ रोल इससे मिल जाएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ रोल इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ कार्पेट, कार्पेट के एरिया को रोल के ब्रेथ से डिवाइड करो या विड्थ से डिवाइड करो, ब्रेथ ऑफ रोल। ओके दैट इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ कार्पेट कितना है 45 और ब्रेथ ऑफ या फिर विड्थ ऑफ कार्पेट कितना है 0.8। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करो 45 को 8 से डिवाइड करो, 45 डिवाइडेड बाय 8 करो, सो 8 5 40 रिमेन यहाँ पे हो गया 5, डेसिमल पॉइंट 0.8648 यहाँ पे हो गया 50। तो ये नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हमें जो आंसर फाइंड करना है 1 मीटर का, चलो उसको करते हैं, इसको फिर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके सो अब हमें टोटल कॉस्ट दी है कार्पेट की, टोटल कॉस्ट है 6750 और हमें चाहिए पर मीटर। सो विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ 45 अपॉन 0.8 मीटर ऑफ कार्पेट इज इक्वल टू कितनी दी है 6750, तो हमें चाहिए 1 मीटर की। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कार्पेट इक्वल टू 1 मीटर की फाइंड करने के लिए हम 6750 को 45.0.8 से डिवाइड करेंगे। सो 6750 डिवाइडेड बाय 45 अपॉन 0.8 दैट इज इक्वल टू 6750 मल्टीप्लाई, अब डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो 0.8 अपॉन 45। अब 45 से इसको डिवाइड करो या फिर दोनों को पहले तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट हियर 5 9 45 और 6750 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे 5 1 5 7 5 3 15 रिमेन टू कैरी 5 5 5 25 और ये 0 लगा दो तो 1350। सो यू विल गेट हियर 1350 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन 9। अब 9 से 1350 डिविजिबल है क्या, तो चलो डिवाइड करते हैं, तो होता है कि देखो 1350 को 9 से डिवाइड करो, 1350 डिवाइडेड बाय 9 9 1 9 रिमेन 4 5 9 5 1 0 लगा दो तो आंसर आ गया 150। सो इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 0.8, अब 15 एट जा करो और फिर डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे एक डिजिट के बाद दे देंगे, तो 15 एट जा होता है 120, 10 लगा दिया डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दैट इज इक्वल टू ₹120। सो दिस इज द आंसर। तो हमें क्या पूछा था, द कॉस्ट ऑफ कार्पेट पर मीटर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कार्पेट पर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ कार्पेट पर मीटर इज ₹120। तो इस तरह से ये एग्जांपल है, व्हाट इट।